अब तक आपने देखा। हम सबको ये मंजूर नहीं एक औरत दिल्ली के तख्त पर बैठे और हम सब पर हुकूमत करे। सच तो ये है तुमने अवाम का इस्तेमाल किया, तुम्हारी तमन्ना थी तख्त और ताज की, इस दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने की। हमसे निकाह कर हमें जल्द से जल्द गजनी ले चले, अब हम यहाँ और नहीं रहना चाहते। फातिमा जल्दी करो, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। बस एक ही दुआ मांगेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब आगे खुदा के लिए होश में आ जाइए अबू, होश में आ जाइए। लगा कि हमारी बात आपके दिल तक पहुंच गई है अब्बू, शायद इसलिए आपने हमें रोक दिया। ये सिक्के आवाम में बंटवा दो और ये ऐलान कर दो कि मल्लिका शाह तुर्कन ने शहजादी रजिया के निकाह के मौके पर सबको दावतनामा भेजा है। जब तक शादी का जश्न चलेगा किसी के घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, सब दावत यहीं महल में खाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो आप पे शक हो रहा है, कहीं आपने रजिया को गोद तो नहीं ले लिया? क्योंकि ये दौलत तो आप ऐसे लुटा रही हैं जैसे रजिया के निकाह की सबसे ज्यादा खुशी आप ही को है। मियां आप तो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। अरे शुक्र मनाइए उस रजिया का
जिसकी वजह से आज आवाम में आपकी वाहवाही हो रही है। पहली बार आवाम ने आपको अपनाया है। अब जो ये हवा चली है, हमें भी थोड़ी उड़ान भरने दो, पता लगने दो आवाम को हमारा और आपका दिल कितना बड़ा है। लेकिन हमारे सीने पे तो सांप लौट रहे हैं अम्मी, दिल तो कर रहा है उस रजिया का सर कलम कर दे हम। अरे कितना सताया उसने हमें सुल्तान बनकर, जीना हराम कर दिया था हमारा उसने। और अम्मी आप तो कह रही थी कि हम रजिया को सबक सिखाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ दौलत लुटा रही हैं। अरे हमारा जी करता है कि हम उस नागिन का सर कुचलते हैं, और आप यहाँ पर खबरदार। अगर ऐसी वैसी हरकत की तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अरे उस नागिन को वो सपेरा पिटारे में डालकर अपने साथ गजनी ले जा रहा है। एक बार वो गजनी चली गई तो आपको यहाँ डसने नहीं आएगी। और अगर इस समय उस नागिन को छेड़ा तो वो सपेरा भी आपका दुश्मन हो जाए। जाने दो उन दोनों को, एक बार वो यहाँ से चली गई तो दिल्ली सल्तनत पे चैन की बीन हम ही बजाएंगे। अरे आप मुंह लटकाए यहाँ क्यों खड़े हैं मियाँ? आपकी बहन की शादी है, चलिए चलकर शेरवानी का माप दे दीजिए। मेहमानों को उनकी जगह पे बैठा दो, देखना किसी की भी खातिरदारी में कमी ना रहने पाए। थोड़ी खातिरदारी हमारी भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जाने जाना। हमें जाने दीजिए, हमें देर हो रही है। गुस्से में तो आप हमें और भी हंसी लगती हैं। रास्ता छोड़िए हमारा। अरे खफा क्यों हो रही हैं आप? हम तो बस ये कह रहे थे कि जवानी ढल जाएगी आपकी, कब तक मरे हो का मातम बनाएंगे आप? फातिमा जल्दी करो, शहजादी तुम्हें याद कर रही। एक बार आपकी शहजादी गजनी के लिए रवाना हो जाए, फिर आपका कंगना भी हमारा, आपकी कलाई भी हमारी, और आप भी हमारी। क्या हुआ फातिमा, सब ठीक तो है? निकाह हमारा हो रहा है उससे जिसे हम पसंद नहीं करते, और हालत तुम्हारी खराब लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है शहजादी, वो बस यूं ही काम के चलते, चलिए ना। लीजिए, आ गई हमारी शरीक हयात, हमारा चांद का टुकड़ा, गजनी की होने वाली मलिका शहजादी रजिया। इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हैं आप? ये तपिश आपकी जिस्म की हरारत है या फिर कुश्ती लड़ने का इरादा? अरे भाई निकाह करने वाले हम आपसे, घबराइए मत। खैरी हम आपके लिए अभी ठंडा शरबत मंगवाते हैं। खबीस की औलाद, सुल्तान हमारे महल में खादिमा और नौकरों से इस तरह नहीं पेश आते।
दोस्त है ना ये आपका, तो हमने सोचा क्यों ना इसे ये आपके आसपास रखा जाए तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक सोचा ना हमने? वैसे इनकी खिदमत की और तहजीब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, खानदानी नौकर लगते हैं। hey, हमारी जूतियों में थोड़ी सी धूल जम गई है, इसे साफ करो। बेइज्जत करके आपको क्या मिलेगा सुल्तान? आप जब भी इसे देखती हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और तब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी पुतले से नहीं एक इंसान से ही शादी कर। चलिए मोहब्बत के रंग ना ही सही पर नफरत के रंग तो हम आपके चेहरे पे एक दिन लाने में कामयाब हो ही जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। क्या जरूरत है आपको इस तरह बेइज्जत होने की? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चले क्यों नहीं जाते आप यहाँ से? मेरे एक आदत सी बन गई है तो, और आदत मिर्जा की जल्दी बदलती नहीं होता। रही बात बेइज्जत होने की, बंदगी से मुझे मिलता नहीं, आशिकी से मिलता है मुझको खुदा मेरा। लीजिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। सुल्तान यालदोस का नजराना, ये बेशकीमती हार पेश है आप सबके सामने। न जाने कितनी सदियों से यह हार गजनी की मलिकाओं के गले में नशीन हुआ है। इसका कोई हीरा समरकंद का है तो कोई नगीना बदकशा का, तो कोई मोती बसरा का। ये बेशकीमती हार गजनी के होने वाली मलिका को नजराने के तौर पे पेश किया जाता है। जो वक्त आ गया है जब गजनी के होने वाली मलिका और दिल्ली सल्तनत के शहजादी रजिया इसे पहनकर बेशकीमती हार की शान बढ़ाएगी।
हमारे इस नायाब तोहफे की शान बढ़ाई है। ये क्या हुआ? क्या हुआ सुल्तान? लगता है हार कुछ ज्यादा ही पुराना है। लगता है तार कमजोर हो गए। हमारी बेइज्जती होगी वो अलग, और तार का टूटना हमारे लिए ठीक नहीं है। ढीले तारों को बांधने में हम माहिर हैं। आप कहें तो हाथ लगाएं। ठीक है, लेकिन जरा संभल के। देख लिया शहजादी, नजराना भले सुल्तान अल्दोस का हो, पर हम अपने हाथों से पहना रहे हैं आपको। अब तो आपको हमारे थोड़ा सा बेइज्जत होने से शिकायत नहीं है ना? अब पता चला आपको कि हम आपके आसपास क्यों थे? क्योंकि हमें पता था कि उस पुट्टे के बस की बात नहीं है, सिर्फ पींगे मारता है। लीजिए सुल्तान, आपका नजराना नजर कर दिया गया है। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो, मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो। भगवान आपकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखे सुल्तान। शुक्रिया हुजूर आला। एक नजर इधर भी, हमसे होने वाले निकाह की मुबारकबाद नहीं लेंगे आप? आपकी तारीफ। नाचीज इस चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे की असलियत समझता है। लोगों को अब तक ये बात मालूम नहीं है कि जिस सुल्तान अल्तमश की बेटी के साथ आप निकाह कर रहे हैं, उसी सुल्तान अल्तमश के खानदान के आप कातिल हैं। अभी तक ये राज हमने सीने में छुपा रखा है, पर इसका बोझ ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। क्या चाहते हो? थोड़ी सी दौलत और आपके सर का ताज। बस अपना मुंह बंद रखने के लिए एक छोटी सी कीमत चाहता हूं। सुल्तान यल्दोस को धमकी देता है। सिपाहियों, इज्जत। पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? ये तपिश जिस्म की हसरत की है या फिर हमसे कुश्ती लड़ने का इरादा है? अरे निकाह होने वाला है आपका, शहजादी आपके दुश्मन थोड़ी। पीजिए शरबत, पीजिए, सुकून मिलेगा आपको। दो टके का नाचने वाला भाड़े का टट्टू हमें धमकी दे रहा है, हमारी दौलत, हमारा ताज पहनना चाहता है। उस कातिल की इतनी हिम्मत हो गई कि हम पर उंगलियां उठा रहा है। कातिल?
किसकी बात कर रहे हो आप सुल्तान? उस रात जब सुल्तान अल्तमश के शाही खानदान पर कातिलाना हमला हुआ था, तो वो कातिल फनकारों की तलवार से भरा हुआ संदूक लेकर इस महल में आया था। बदजात का नाम तक याद नहीं है हमें। सोचता है कि उस साजिश में हमारा नाम शामिल होने की बात बताकर हमें डरा लेगा, हमसे दौलत ऐंठ लेगा। नहीं, ढूंढो उसे, तो यहीं कहीं इसी महल में छुपा हुआ है। उसे गिरफ्तार करो और झोंक दो तेजाब में। जो हुकुम सुल्तान।